ये मुलाकात एक बहाना है। बिल्कुल ऐसी ही मुलाकात की हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने सितारे से, जिसने की हमसे ढेर सारी बातें। आइए देखें कौन है ये। करणवीर और टीजे की खूबसूरत दुनिया। बेटियों पर लुटाते प्यार। करणवीर का खुशियों भरा आशियाना। सास बहू और बेटिया में आज हम मिलाएंगे करणवीर के परिवार से, उनकी बीवी टीचे और तीन बेटियों से, जिन पर वो अपना प्यार लुटाते हैं। भाई ये है एक हैप्पी फैमिली जो साथ में मस्ती करती है, डांस करती है, खुशियां बांटती है और ये फैमिली देती है हैप्पी गोल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मस्ती भरे डे आउट की, चल के करणवीर के घर। जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी खाना खाओ, सास बहू बेटी आ रही है, जल्दी ईट फास्ट। नो 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 नो, यू कैन नॉट हैव ओरियो। अरे ये बेटियों का क्या, आ गए और देखो, हेलो हेलो हेलो, कॉट यू ऑन यार, इतनी जल्दी, व्हाट इज दिस यार। हमने सोचा फटाफट लंच टाइम खत्म कर दें, देखो। मैंने कहा सास बहू बेटी आ रही है, तो कह रही इन बेटियों का, इन बेटियों का तो सच में पता नहीं। नो, हे भगवान, आई सेड नो कुकीज, नथिंग, कुछ नहीं, कुकीज वापस रख दो, आई डोंट वांट नो कुकीज। आप लोग पूछते हैं ना कि हाउ डू यू मैनेज थ्री चिप्स खा सकते हैं, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आओ चलो प्लीज़ आओ बैठो। हाँ अब मैं आज बताऊँगा आपको कि हम लोग इनको मैनेज कैसे करते हैं। इट्स नॉट ईजी रियली, एवरी डे एवरी मिनट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं, क्या मस्ती चल रही है, नीचे जा रहे हैं, क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या टीवी पे देख रहे हैं, क्या फ़ोन पे देख रहे हैं। ओह माय गुडनेस, आ जाओ बेबी, आ जाओ बच्चे लोग। मेरे पास सास भी है, मेरे पास बहू भी है, मेरे पास बेटियाँ भी हैं, और क्या चाहिए? आपको बता दें, करणवीर और टीजे की जुड़वा बेटियां हैं, जिनका नाम है वियना और बेला, और उनकी तीसरी बेटी का नाम है जिया। ये सभी मिलकर बहुत मस्ती करते हैं और इन तीनों को संभालना इतना भी आसान नहीं, लेकिन मम्मी पापा यानी कि टीजे और करणवीर तीनों को खूब अच्छे से संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार भी देते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये दोनों अपनी बच्चियों को संभालते हैं और साथ में इन्होंने दी पेरेंटिंग टिप्स भी। When you have girls, you need to empower them. उनको समझाना चाहिए, इस एज से सिखाना चाहिए कि you are worth it, you have value and you can do anything. And it doesn't matter, cute तो सब babies cute है। You have to एक स्टेप आगे ही सोचना पड़ता है, बिकॉज ये इतने शातिर हो गए ना बच्चे, इतने स्मार्ट हो गए। दोनों की बात नहीं कर रहा मैं, तीनों की बात कर रहा हूँ। वो छोटी वाली भी कम नहीं है। It's like we're living in big boss every day. हर दिन सोचते आज की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे ऐसे करेंगे, एक को बाहर लेके जाना है, एक को यहाँ छोड़ना है, हाउ डू यू स्नीक हर आउट, बोलेंगे ये इधर क्लास में गई है, वो बोलेगी नहीं मुझे क्लास नहीं जाना, वो ले जाओ। मेरी मम्मी कहती है कि ये बहुत गलत सिखा रहे हो तुम, बहुत गलत सिखा रहे हो। मैं क्या मॉम, तीन तीन बच्चों को एक साथ हैंडल करना, इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रैटेजाइज। ये एक बैटल फील्ड है जेन्युइनली। जब हम बड़े हो रहे थे, मतलब I think they grew up with five kids in the house. My mom and dad. Six, you forgot. हम लोग joint family थे, तो हमारे यहाँ सात आठ बच्चे, मतलब बच्चे ऐसे ही पलते थे, ऐसे ही बड़े हो जाते, कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। Nobody would think के बच्चों को अभी ये करवाना है वो करवाना है, हो रहा है तो हो रहा है, जिसको फीलिंग हुई बच्चों की बर्थडे मनानी है तो चलो बर्थडे मना रहे, अगर सपोज कुछ बाहर लेके जाना है तो बाहर लेके जाए, नहीं लेके जाना है तो बैठे रहे घर पे, तो नोबडी केयर। अब आजकल ऐसा हो गया, एक थप्पड़ मिलता था ना, सब कुछ ठीक, सब ठीक। आई स्वेयर
Yes. And you, Abba. ये अब्बा अब्बा वाला राज मुझे नहीं पता भाई. नौ महीने से. अब्बा. Call him again. Call him. हमारी एक यू नो पुरानी पास्ट लाइफ है. हाँ, मैं एक शेख था, मैं एक शेख था दुबई के रेगिस्तान में. हाँ, और ये मेरी बेटी थी, और ये मेरी बेगम थी. तो तब से आई थिंक ये पास्ट लाइफ अब्बा कनेक्शन रियली आउट ऑफ द ब्लू. हम बोलते हैं 9 मंथ से मामा दिस दैट शी नोस. Thank you, she knows. एक दिन मतलब मैं ब्रश कर रहा था, ये सुबह इसको लेकर आई और ऐसे hold this, ऐसे लेकर आई और खाली इसकी मुंडी को ऐसे दिखाया. देखिए मुझे और बोली अब्बा. मैंने कहा अब्बा अब्बा. And I told her, I said, no, say dad. She said dad. Say daddy. She's like daddy. Say papa. Say papa. एक और है अब्बा. तो मैंने कहा ठीक है, इसको जो मन में हो, you cannot change anybody else. And अजीब है because जैसे दूसरे उनकी दो बहनें बोलते हैं, you think kids would copy, वो dad 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 dad, वो भी dad dad, they're like dad dad dad, abba. वैसे करणवीर और टीजे की बेटियों की एक शॉर्ट फिल्म भी है, जिसका नाम है My Pink Shoes, और इसके जरिए इन्होंने दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज. हमने जो फिल्म ही बनाई थी अभी, शॉर्ट फिल्म जो है माय पिंक शूज, बिकॉज शी मी वी बोथ आर सो मच इनटू द चिल्ड्रन के अच्छा काम करो, बी यू नो अच्छा काम एज इन हैव एम्पैथी, मतलब समझो कि हमारे पास है, अबंडेंस में है, ऊपर वाले की देन है, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं है. हम उनको बार बार सिखाते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे टॉयज की बात, व्हाटएवर, जस्ट ऑन इन टोटैलिटी. और ज़्यादा स्पॉइल भी नहीं करते. हमारी गाड़ी में बहुत सारे इनके टॉयज पड़े रहते हैं, बिकॉज वी सी सो मेनी ऑफ दीज चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द रोड, यू नो हम सोचते कि इकट्ठे करके बांट देंगे, बट यू नो व्हाट वी डू, जस्ट कीप देम इन द कार. Clothes, shoes. In fact, just the other day when back road पे वो एक छोटी सी लड़की थी, she was walking on the rope, ऐसे ना बड़े stick के साथ वो rope पे कर रही थी, like a gymnast. And we just think उसको इन्होंने एक doll दी, इतनी खुश हुई वो, you know, because वो डिक्की में पड़ी थी और इनकी 8-10-15 dolls पड़ी होती है. हम बोलते हैं हम चुपचाप लेके 5-6 ना हमारी गाड़ी में डाल देते हैं, वो फर्क भी नहीं पड़ता कि कहाँ गई सारी dolls. And then we tell them, see how happy they feel. So they also understand. You know, children are very sensitive. ये वाली जो film है, My Pink Shoes, we showed it to so many parents, and the parents showed it to their children. Children started crying. You know, show that video where he was crying. Oh, show you. So, इनकी एक best, इनकी बहुत close friend है, और वो he's a boy, okay? And very मतलब बहुत शरारती है, और लड़कों में तो बहुत you know जज्बा और शरार होती. He showed an emotion which we were amazed. Like, wow, okay. Yeah. Like, बच्चों को भी. Look at this. It's okay. It's not real. It was just a story. बच्चों के साथ मस्ती तो हो गई, अब बारी करणवीर संग घर की सैर करने की. वैसे घर घुमाने के साथ साथ
करण वीर ने अपने इन अवार्ड्स के बारे में भी बताया और अपना फेवरेट कॉर्नर भी दिखाया। देखिए इधर आइए इधर देखिए, इनका चलता ही रहेगा पूरे दिन, आप थकेंगे नहीं। हाँ आप चलिए, हम आपको होम टूर करवाते हैं और उस होम टूर के अंदर आपको दिख जाएंगे कि क्या क्या मस्ती क्या किलकारियाँ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वाला कॉर्नर, ये बहुत ही प्यारा कॉर्नर है, मेरी जीजा का कॉर्नर, वो अपने आप को जीजा बुलाती है। सो दिस इज व्हेन शी वाज 1 month, 2nd month, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th,
This is my Gia in full 12 months. वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो. तो बेसिकली ये घर एक नॉर्मल घर नहीं है, ये घर एक्चुअली बच्चों का घर है. हमने पहले ही सोचा था जैसे कि ये तो बहुत कम है बिकॉज आप लोग आ रहे थे, हमने ना काफ़ी सफाई की है यहाँ पर. गाड़ी और घोड़ों का पार्किंग वहाँ है. तो ये आप देख रहे हैं बॉल पूल और बेबी बाकी के वो सारे किधर है, वो जो ऊपर वो सारे स्लाइड्स वगैरह थे आदि अंदर रख दिए, यू नो. हाँ ओए 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 ओए. हाँ उस तरफ आप सामने देख रहे हैं जो इतना बड़ा सोफा लगा है और उस सोफे के ऊपर जो प्रोजेक्टर है इज बेसिकली दिस होम इज अ ह्यूज स्क्रीन, अ ह्यूज टीवी, अ ह्यूज थिएटर फॉर द किड्स. बिकॉज कोरोना के दौरान हम थिएटर नहीं जा सकते थे तो हमने हमारा थिएटर यहीं पे बना दिया बच्चों के लिए, बिकॉज दे लव वॉचिंग ऑल दिस कार्टून एंड ऑन बिग स्क्रीन. कम ऑन, लेट मी टेक यू टू माई फेवरेट कॉर्नर. इट इज़ कॉल्ड द ग्लैमर कॉर्नर. ऑल राइट, ग्लैमर कॉर्नर क्यों? सबसे पहले मैं आपको मेरे इस कैमरे के बारे में बताऊँगा, एरीफ्लेक्स. इट्स वन ऑफ एन एंशियंट एंशियंट कैमराज. और इस कैमरे में और चलता है, अभी भी चलता है बाकायदा. ये पापा यूज़ करते थे और पापा को प्रकाश मेहरा जी जो अब हमारे बीच नहीं है, द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर, ही हैड शॉट ह्यूज बिग मूवीज ऑन दिस कैमरा लाइक मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस एंड यू नेम इट, एंड दोज मूवीज वर शॉट ऑन इट. सो फॉर मी इट्स अ वेरी एंटीक एंड अ वेरी रियली द कैमरा को टॉक. बाय गॉड ये इतनी बातें करता है, मतलब पूरी हिस्ट्री. मेरे पापा के साथ बैठेंगे तो पूरी हिस्ट्री वो सुना देंगे उनको. बहुत पापा और कैमरा की बहुत बनती है. क्या कहते हैं ना, इज माई बॉडी. और इस कैमरे के पीछे मेरी बहुत सारी लाइफ में कभी मैंने अवार्ड नहीं पाए हैं, स्कूल में कॉलेज में. जहाँ अवार्ड मिले मुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही मिले हैं. सो दैट हैज़ बीन समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी. लेट मी टेल यू व्हिच अवार्ड्स एंड व्हाट अवार्ड्स आर दीज. ये बोतल का अवार्ड क्योंकि मैं दूध बहुत अच्छी पीता हूँ. हाँ हाँ, ओल्ड मॉन्क की बोतल में मैं दूध पीता था. और मेरे लिए बहुत ही यादगार है ये ट्रॉफी बिकॉज आई रिमेंबर सारी टीम को एवरी वी गॉट इट फॉर स्टार परिवार, फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड जो 2004 में हुआ था. वी गॉट इट दैट टाइम एंड फॉर द बेस्ट जोड़ी, नॉट बेस्ट जोड़ी, फॉर द बेस्ट, या आई थिंक बेस्ट कपल ओनली वी गॉट इट फॉर श्रुति एंड मी. सो दिस विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी. तब मेरा नाम मनोज बोरा हुआ करता था. हाँ, दैट टाइम पीपल इज नो मी एज मनोज बोरा. वैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम मनोज बोरा के नाम पे ही है. करणवीर जस्ट नाम जो मुझे मेरे ननियाल वाले पुकारते हैं करणवीर के नाम से. सो दो नाम से मैं जाना जाता हूँ. बट शरारत हैज, आई मीन आई मेट दिस ब्यूटीफुल वुमन ड्यूरिंग शरारत. थोड़ी शरारती की इसके, शरारत की इसके साथ. और आई फील रियली प्राउड. सो एक मुझे मिला और एक टीजे को मिला. ठीक, आप पहले अपने अवार्ड के बारे में बताइए. दिस इज माई बेस्ट अवार्ड बिकॉज दिस इज फॉर आई थिंक आप लोगों ने देखा कि मैं इनका एक पेज शुरू किया, ट्विन बेबी डायरीज, और छोटी बेबी का भी मैं अभी शुरू किया. केवी का पेज ही मैंने शुरू किया था, खुद का भी. और यू नो उस टाइम अबाउट 5 years ago वी जस्ट ऑर्गेनिकली ग्रू, गुड कॉन्टेंट, पुटिंग इन एफर्ट, मेहनत. सो दिस इज A mom of the year award, which I say is actually for all moms. They gave it to me
to appreciate all that I'm doing to spread positivity about motherhood. So that's the most meaningful award. She got the award for the best mother, and I got the award for helping Mother Earth. तो देखा आपने कैसी है करणवीर की ये हसीन दुनिया, जिसमें वो अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और फैमिली मैन बन अपनी बच्चियों पर खुशियाँ न्योछावर करते हैं। और साथ ही करणवीर और टीजे ने दी आप सभी को पेरेंटिंग टिप्स। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।